नमस्कार, मैं अजीत सिंह वैद्य घरौंडा। आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जिनके दांत में जाड़ में कीड़ा लग जाता है और कीड़े के खाने के बाद उनके दांतों में बहुत तेज़ दर्द होती है, और उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आज एक अचूक औषधि हम आपको करके दिखा रहे हैं। देखिए, फार्मूला है हमारा। प्राचीन टाइम में हमारे बड़े बुजुर्ग इसी को किया करते थे। एक्चुअली ये है क्या, मैं आपको अभी समझाऊंगा ये है क्या, इससे होता क्या है, ये कैसे काम करता है। और इसको जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग देख रहे होंगे वीडियो को, वो समझ भी जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, इसमें कौन सी औषधि यूज होती है और ये कैसे काम करती है। मैं वो सारा भी आपको करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास एक बुढ़िया आई हुई है, इनको दांत में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, और अभी इनके दर्द के बारे में अभी मैं करके दिखाऊंगा, और ये खुद बताएंगे आपको इनके दांत में दर्द में आराम हुआ या नहीं हुआ। अभी ये खुद बताएंगे आपको, देखना आप। इनके दांत खा रखा है, कीड़ा लगा हुआ है जाड़ में, और जाड़ अभी आपको सारा मैं करके दिखा रहा हूँ, जरा गौर से भी देखना आप। अभी आप देखना कैसे ये काम करेगा। इस पर गुड़िया मुंह लगाओ, आप इसके ऊपर लगाओ लगाओ अच्छे से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो अच्छे से बिल्कुल साइडों में उंगली अच्छे से लगाओ ताकि धुआं मुंह में ना जाने पाए। ये दांत के दर्द को कैसे तुरंत, मुंह थोड़ा खोल के रखो बेटा, यहाँ तक बिल्कुल पूरे बेस पे आ करके रखो, पूरा आ करके रखो, शाबाश ऐसे, हाँ हाँ शाबाश ऐसे रखो आ करके। अभी देखना बिल्कुल, जिन लोगों को दांत कीड़े ने खा रखा है, दांत में दर्द होता है, इस गुड़िया को दांत में दर्द है, जाड़ खा रखी है इसकी, इसके दांत में काफ़ी सारा दर्द है। अभी वो दर्द के लिए हम कर रहे हैं ये अचूक औषधि है दर्द के लिए। ये एक जड़ी बूटी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, आप इसको घर पे तो नहीं कर सकते, बाकी हमारा घरौंडा में है ये, आप घरौंडा में जड़ी बूटी है? ये कटेरी होती है, कड़वा कटेरी होती है, ये पीड़े वाली कटेरी, ये पीड़े वाली कटेरी के बीज होते हैं इसमें, ठीक है। कुछ लोग हमारे पुराने बुजुर्ग करते थे, इसका धुआं देते थे, वो इससे ठीक हो जाते थे, लेकिन आजकल ये प्राचीन जो हमारी विधि हैं इनको लोग भूल चुके हैं, लेकिन हम इसको आज भी एज इट इज़ कर रहे हैं और इससे लोग लाभ उठा रहे हैं। जैसे अभी ये गुड़िया आपको खुद बताएगी, अभी जो हम इसका करके दिखा रहे हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। बस बेटा थोड़ी देर सांस ले, तब तक मैं दोबारा दूसरे डोज का। ये हमने सरसों का तेल लिया हुआ है, कड़वा तेल भी इसमें ले सकते हैं हम, ठीक है। चलो लगाओ बेटा, लगाओ लगाओ, शाबाश शाबाश अच्छे से लगाओ। इस विधि द्वारा जो दांत में दर्द है, दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, चीस मार रही है, दांतों में पीड़ मार रही है, जो दांतों में कीड़ा खाने के बाद दर्द होती है बहुत तेज, उसको ठीक करने के लिए ये सबसे अचूक औषधि है, और तुरंत ठीक करने के लिए बिना कोई पेन किलर यूज करे। पेन किलर नहीं है दोस्तों, ये ब्रेन किलर है, ब्रेन किलर, हमारे ब्रेन को किलर कर देती है ये पेन किलर नहीं है, लेकिन इसका नाम पेन किलर है ये ब्रेन किलर। तो ब्रेन किलर और पेन किलर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें अचूक औषधियों की ज़रूरत है। हम आज अचूक औषधियों के साथ जुड़े हैं, अचूक औषधियों को हम प्रमोट कर रहे हैं, और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये अचूक औषधियाँ हमारे देश के हर नागरिक तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से पहले दर्द था, कितना तेज़ दर्द था, कितने दिन से होता था? एक दो हफ्ते से हो रहा था, अभी आराम है। अभी देखना, इस गुड़िया का दर्द बिल्कुल बंद हो गया है दांत का, और ऐसे मैंने इस फार्मूले से पता नहीं कितने लोगों का ट्रीटमेंट आज तक किया है, काफ़ी लोगों को मैंने इस फार्मूले से ठीक किया है, और आज वो लोग बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं होता है। इसका मेन क्या होता है, इसके जो बीज हमारे पास ये हैं, ये कड़वे बहुत होते हैं, हमारे बुजुर्ग इसको धुएं को देने के लिए यंत्र बनाते थे, ये हंडी का यंत्र, एक बार ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यंत्र दिखाएंगे एक बार, ये यंत्र बनाया जाता था ऐसे, इस यंत्र द्वारा हमारे बुजुर्ग लोग धुआं दिया करते थे दांतों में, और दांतों में ये धुआं जाने के बाद दांतों के सारे कीड़े मर जाते थे, और वो मर के इस पानी में आ जाते थे। एक्चुअली क्या है, इस गुड़िया के दांतों में कीड़े नहीं हैं, अगर जो कीड़े होते तो वो भी इसमें आपके सामने दिखाई देते। अभी मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी जिसमें वाइट वाइट काजू टाइप के कीड़े इसमें नज़र आ रहे थे, लेकिन इसमें कीड़े
नहीं है, क्योंकि ये गुड़िया अभी इसकी उम्र बहुत कम है और अभी इसको कीड़ा लगा है थोड़े बहुत दिन पहले, तो अभी इसका स्टार्ट हुआ है हल्का हल्का। तो इसमें अगर जो जिसको ज़्यादा जाड़े खाई होती हैं उसको कीड़े निकलते हैं, और वो कीड़े एज इट इज दिखते हैं, सामने दिखते हैं। अभी मैंने पीछे एक वीडियो बनाकर डाली थी उसमें दिख रहे थे, तो आगे भी हम आपको ऐसे ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे और इसकी जानकारी देते रहेंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें और बताएँ कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो।